नमस्कार, मैं अश्विनी और आप देख रहे हैं इको एक गूंज। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे WED मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण के ज्वलंत मुद्दों के बारे में आम लोगों को जागरूक करने और इस दिशा में उचित कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस का प्रमुख साधन है। देखा जाए तो यह दिन हमारे भविष्य के बारे में है। अगर हमारा पर्यावरण नहीं बचेगा तो हम भी नहीं बचेंगे, इसलिए अर्थ डे के साथ साथ यह दिन बाकी सभी दिनों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी दिन तभी मनाया जा सकता है जब उन्हें मनाने के लिए हम बचे रहे, और विश्व पर्यावरण दिवस हमें बचाने की दिशा में एक बेहद ज़रूरी कदम है। विश्व पर्यावरण दिवस का इतिहास। सन 1972 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण राजनीति का महत्वपूर्ण साल था, क्योंकि इस साल 5 जून से 16 जून तक यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर पहली मेजर कॉन्फ्रेंस की गई। इस कॉन्फ्रेंसों को कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। इस कॉन्फ्रेंस को लक्ष्य मानव परिवेश को बचाने और बढ़ाने की चुनौती को हल करने के लिए तरीके के बारे में एक बुनियादी आम धारणा तैयार करना था। इसके बाद इसी साल 15 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया और प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तभी से प्रतिवर्ष यह 100 से अधिक देशों में मनाया जाने लगा। पूरे विश्व में हर साल करीब 55 लाख लोग दूषित हवा की वजह से मर जाते हैं, जो कुल मौतों को लगभग 10% है। अकेले भारत में हर साल 12 लाख लोग जहरीले हवा के कारण मर जाते हैं, जिससे देश को $38 अरब का नुकसान होता है। शायद आपको जानकर आश्चर्य हो कि भारत के 11 शहर दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल है। बेहिसाब पानी की बर्बादी के कारण भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। मैं गोरखपुर से हूँ और इस जैसे तराई इलाका भी इससे नहीं बचा है। लोगों को अपनी बोरिंग बढ़वानी पड़ रही है। कुछ इलाकों में गर्मी के मौसम में भूजल स्तर इतना नीचे चला जाता है कि पानी के लिए वाटर टैक्स पर निर्भर करना पड़ता है। लगातार बढ़ते प्रदूषण से समुद्र भी नहीं बचे हैं। हम पर्यावरण में इतनी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं कि समुद्र तक का पानी एसिडिक होता जा रहा है। हमने अपने घर बनाने के लिए इतने जंगल काट दिए हैं कि आज भी बायोडायवर्सिटी बड़े खतरे में पड़ गई है। क्या कर सकते हैं हम? ये भूल जाइए कि सरकार क्या करती है या क्या नहीं करती है, पड़ोसी क्या करता है या क्या नहीं करता है, परिवार साथ देता है या नहीं देता। बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मैं एक चेंज एजेंट बनूंगा, मैं अपने स्तर से पर्यावरण को बचाऊंगा। मैं यहाँ कुछ बातें और रियल लाइफ स्टोरी सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको ज़रूर यहाँ से कुछ न कुछ आइडिया मिल जाएगा। रखे याद, ज़्यादातर लोग ज़रूरत से अधिक के चक्कर में पड़ जाते हैं। एक मोबाइल चल रहा है लेकिन दूसरा चाहिए, एक कार सही है लेकिन दूसरी चाहिए, एक बाल्टी से नहा सकते हैं लेकिन पूरा बाथटब चाहिए। अगर पृथ्वी को बचाना है तो अपनी आदतों को सुधारना होगा, अपने फालतू के यूसेज को घटाना होगा, रीयूज़। बहुत से चीज़ें हैं जिनका हम नहीं तो कोई और इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि पुराने किताबें, कपड़े, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि। इन्हें ऐसे लोगों को दे दें जो इन्हें प्रयोग कर सके, और आप भी अगर अपने यूज़ के लिए कहीं से कुछ प्राप्त कर सके तो उसे लेने भी झिझके नहीं या शर्मिंदगी ना महसूस करें। रिसाइकल प्लास्टिक, नॉन बायो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर इसको जलाएंगे तो इससे डाइऑक्सिन तथा फ्यूरोन जैसे रसायन हवा के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और गंभीर बीमारियों को न्योता देते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों को रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है।
पेड़ लगाएं, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं पर करते नहीं हैं। एक काम करिए, इस बार आपका बर्थडे आए या आपके बच्चे का बर्थडे आए तो उस दिन एक पेड़ लगाइए और उसका कोई नाम रखिए। आपके या आपके बच्चे के साथ उसे भी बड़ा होते देखिए। प्लास्टिक बैग्स को ना कहें, शॉपिंग के लिए पॉलीथीन या प्लास्टिक बैग्स का प्रयोग बंद कर दें और इसके लिए किसी कानून का इंतज़ार मत करें, खुद से यह कदम उठाएं। सब्जी के लिए, राशन के लिए या कुछ भी बाज़ार से लाने के लिए पेपर बैग्स या कपड़ों के बने झोलों का प्रयोग करें। बिजली बचाएं, हम जितनी अधिक बिजली बचाएंगे उतनी कम प्रोड्यूस बिजली प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। भारत में कुल बिजली उत्पादन का लगभग 65% थर्मल पावर प्लांट से होता है जो कोयले का इस्तेमाल करते हैं और वातावरण में CO2, SO2 जैसे जहरीली गैस छोड़ते हैं। हमारा बिजली बचाना हमारे वातावरण को बचाएगा। पानी बचाएं, ग्राउंड वाटर लेवल दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है पर फिर भी लोग पानी की बर्बादी पर ध्यान नहीं देते। अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो काफ़ी पानी बचा सकते हैं। खाना बर्बाद ना करें, क्या आप जानते हैं जितना खाना पूरे इंग्लैंड खाता है उतना ही हम भारतीय बर्बाद कर देते हैं। जितना खाना हो उतना ही बच जाता है तो कोशिश करें कि बाद में उसे कंज्यूम कर लिया जाए। अन्न की बर्बादी ना करें, जितना अधिक हम अन्न उगाते हैं उतना ही अधिक प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ता है। यूज़ एंड थ्रो नहीं, यूज़ एंड रीयूज़ करें। पिछला दौर याद करिए, हम सीमित संसाधनों के साथ रहते हैं। चप्पल टूटने पर मोची के पास जाया करते थे, कपड़ा फटता था रफू करा लिया करते थे, मशीन खराब हुई तो बनवा लिया करते थे। लेकिन अब लोग यूज़ एंड थ्रो का कल्चर को फॉलो करने लगे हैं। इस आदत के कारण हम बहुत सारा वेस्ट खड़ा करते जा रहे हैं जो पृथ्वी के लिए वातावरण को नुकसान पहुँचा रहा है। सीमित संसाधनों के साथ रहने में शर्मिंदगी नहीं, गर्व होना चाहिए। सचमुच ये गर्व की बात है। पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें। आजकल हर कोई कार या बाइक से चलना चाहता है। पड़ोस की दुकान तक भी लोग पैदल या साइकिल से नहीं जाते, लेकिन पर्यावरण के संरक्षक होने के नाते आप ऐसा करिए और एनवायरनमेंट को ग्रीन एंड क्लीन बनाइए। अन्य जीवों के लिए करुणा रखें। अपने घर की छतों पे पक्षियों के पीने के लिए पानी रखें। संभव हो तो स्ट्रीट डॉग्स काउज के लिए भी घर के सामने पानी की व्यवस्था करें। पक्षियों के लिए बर्ड नेस्ट खरीदें और उन्हें सुरक्षित जगह पर लगाइए। आप चाहे तो पुरानी चीज़ों का प्रयोग करके खुद भी बर्ड नेस्ट तैयार कर सकते हैं। घर में बचा खाना यदि किसी वजह से फेंका जा रहा है तो उसे डस्टबिन में मत फेंकिए, बल्कि बाहर किसी जानवर को खाने के लिए डाल दीजिए। कारपूलिंग करें, ऐसे लोगों को तलाशें जो रोज़ आपके रूट से ट्रैवल करते हैं और उनके साथ कारपूलिंग करें। पार्टनर खोजने के लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। हैंड पाइप का प्रयोग करें। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।